हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने हमारा NTADU यानी कि DU के अंदर हमारी जो नॉन टीचिंग पोस्ट की लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई थी, या फिर दोस्तों इसके अलावा अगर आपने कहीं और भी लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि आपका DSSB हो गया या फिर NVS हो गया, KVS हो गया, या इसके अलावा कहीं और भी अगर आपने लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी असिस्टेंट के कुछ ओल्ड पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हमारे लगभग 50 MCQ रहने वाले, ठीक है। दोस्तों ये जो पेपर है हमारा ओल्ड पेपर है, ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे दोस्तों का आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमारे जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर होता है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, नियम के अनुसार खुली पहुँच से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। चार ऑप्शन आपको दे के रखे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत शोध प्रबंधों को खुली पहुँच प्रदान करता है। चार ऑप्शन दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, या फिर मद्रास विश्वविद्यालय। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है, ई ब्रे वर्चुआ, या फिर लिवरी बॉक्स, या फिर गूगल बुक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा लिवरी बॉक्स। अगला है दोस्तों ग्रंथालय, यहाँ ब्लैंक दिया, ग्रंथालय एक ब्लैंक है, राजकीय संस्था, सामाजिक संस्था, आर्थिक संस्था, या फिर औद्योगिक संस्था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर भी सामाजिक संस्था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे विशिष्ट कानून के द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। इसका चार ऑप्शन दिए, आपका सही आंसर हो जाएगा मैनिफेस्टो के द्वारा। अगला है आपका, माहिती का मतलब इसमें बताना आपको क्या होता है, कच्चा डेटा, कच्चा ज्ञान, इनपुट डेटा, या फिर संगठित डेटा। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, संगठित डेटा। सातवां क्वेश्चन दिया, लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत किसने की थी। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, SR रंगनाथन, E Y Dhan हुलमे, या फिर E Neela Megam, या सेन गुप्ता। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, E Y Dhan हुलमे। आठवां क्वेश्चन है, ISO 9960 का संबंध आपका है CD-ROM यानी कि स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा ऑन CD-ROM से, या फिर स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर से, या स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से, या स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा ऑन CD-ROM। नौवां क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन मुख्यतः उपयुक्त है सूचीबद्धता के लिए, संदर्भ सेवा परिसंचरण, या फिर अभिग्रहण। सही आंसर उसका हो जाएगा हमारा सूचीबद्धता के लिए, यानी कि कैटलॉगिंग। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, हर पुस्तक या पाठक है, हर पाठक अपनी पुस्तक है, पुस्तकालय एक पढ़ता हुआ जीव है, या फिर पाठक के समय की बचत करें। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, पाठक के समय की बचत करें, यानी कि इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला होता है उसके टाइम की बचत होती है। अगला है आपका, पुस्तकालय जीव विज्ञान के निम्नलिखित नियम के तहत निरुपयोगी पुस्तकों के निराकरण का विशेष जोर दिया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, पंचम नियम के द्वारा। बारहवां क्वेश्चन है, कोलेन क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत एक्स दर्शाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, इकोनॉमिक्स, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, अर्थशास्त्र। अगला है आपका, सर्च इंजन जैसे वेब बेस्ड प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ईमेल में उपलब्ध जानकारी की तलाशने के लिए, वेब पर उपलब्ध जानकारी तलाशने के लिए, या फिर लैपटॉप पर उपलब्ध जानकारी तलाशने के लिए, या फिर डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी तलाशने के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, वेब पर उपलब्ध जानकारी तलाशने के लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है, अधिकृत उपयोगकर्ता रोबोट का उपयोग करके बल्क डाउनलोडिंग करता है जिसके फलस्वरूप लाइसेंसर पत्रिका के अभिगमन पर रोक लगाता है, तब ग्रंथपाल के द्वारा शुरू की गई सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या हो सकती है। चार इसमें आपको ऑप्शन दे के रखे हैं, इसमें दोस्तों आपको मैच करना है, मतलब किसको के करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, फर्स्ट थर्ड। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा आपके सही हैं। पंद्रह क्वेश्चन है, KWIC इंडेक्स में कीवर्ड है, चार ऑप्शन दिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, टाइटल से उत्पन्न किया गया। सोलहवा क्वेश्चन है, अदृश्य वेब संदर्भित करता है इंटरनेट जो हम देख नहीं सकते, इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन से छपाया हुआ हो या फिर दूरसंचार संकेत जो देखे नहीं जा सकते, या लास्ट ऑप्शन ये वेब पृष्ठों तक पहुंचने के लिए असफलता। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन छपाया हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार कक्षा में नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए, सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करना। अठारहवा है, सर सयाजी राव गायकवाड़ जी की तृतीय ने किस प्रकार के ग्रंथालय का निर्माण किया था, शैक्षिक सार्वजनिक या फिर राष्ट्रीय या फिर विशेष, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, सार्वजनिक ग्रंथालय। अगला निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका, किस संगठन ने सूचना नीति पर भारत समर्थन किया, INS डॉक या फिर NSAT या फिर DESI डॉक या फिर NIC, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, NSAT। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है आपका, संदर्भ प्रश्न का उत्तर केवल आधे घंटे में उपलब्ध कराया जाता है तो उसे कहते हैं शॉर्ट रेंज संदर्भ, वेरी शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज या फिर संदर्भ रेंज, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट, शॉर्ट रेंज संदर्भ। 22वां क्वेश्चन है, उस जगह की पहचान करना जहां IFLA का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका सही आंसर उस हो जाएगा हमारा आंसर बी, यानी कि एडनबर्ग स्कॉटलैंड। 23वां क्वेश्चन दिया है, निधि अकाउंटिंग में निधि अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, आवर्ती गैर आवर्ती वर्जित या फिर असुविधाजनक, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट, यानी कि आवर्ती रिकरिंग। 24वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रीसिस के संदर्भ में मेल रोल ऑपरेटर है, चार ऑप्शन दिए हैं, की सिस्टम, ऑक्शन, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें आपको सेट बताना कौन कौन से सेट इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, की सिस्टम, ऑक्शन, एम, परफॉर्मर ऑफ एक्शन। 25वां क्वेश्चन दिया आपको, उस विश्वविद्यालय का नाम आपको बताना है जिसने भारत में सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथालय पर शुरू किया, चार ऑप्शन दिए, मद्रास, मुंबई या फिर दिल्ली या फिर अहमदाबाद विश्वविद्यालय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मद्रास विश्वविद्यालय ने। 26वां क्वेश्चन दिया है, ZWB का अर्थ आपको बताना है, जीरो बैलेंस बजट, जीरो वेस्ट बजटिंग या फिर जीरो वेस्ट बजट या फिर जीरो बैलेंसिंग बजटिंग, सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, जीरो वेस्ट बजटिंग। 27वां क्वेश्चन है, गतिविधि विश्लेषण प्रक्रिया, निर्णय विश्लेषण प्रक्रिया और संबंध विश्लेषण प्रक्रिया किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, योजना आयोजन, कर्मचारी वर्ग आयोजन या फिर रिपोर्टिंग, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, आयोजन। 28 है, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पर आपको सन बताना है, 1765 से लेकर 1769 या फिर 1750 1754 या 1775 से आपका 1779 या 1768 1771, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, 1768 से लेकर 1771। 29वां क्वेश्चन है, फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट का अर्थ आपको बताना है,
आर्पानेट, डेलनेट, इनफ्लिपनेट या फिर कैलिब नेट। सही आंसर आपका फर्स्ट अर्पानेट। अगला है आपका, यहाँ भी आपको सेट बताने हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार निम्नलिखित विभागों के संदर्भ मुख्य एंट्री का सही क्रम क्या है? नोट सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी DBMS लैंग्वेज नहीं है? DDL, DML, पास्कल या फिर उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर सी, पास्कल। अगला है, एनएस एटम इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? एनएस वियना, ICSU, LC या फिर एग्रेस। आपका सही आंसर ए, एनएस वियना। नेक्स्ट है आपका, द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि लेक्सिकोग्राफी शब्द का अर्थ आपको बताना है। एनसाइक्लोपीडिया का संकलन, हैंडबुक का संकलन, शब्दकोशों का संकलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, शब्दकोशों का संकलन। अगला दिया आपको, हु इज द फादर ऑफ WWW, इसका आंसर भी आप खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी, यानी कि न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है का प्रथम ग्रंथपाल था? हरिनाथ डे, W वार्डन, BS क्वेश्चन या फिर मैक फरलेन। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, मैक फरलेन। अगला दिया है, कॉल नंबर में कितनी संख्या होती है? 1, 3, 4, 2। सही आंसर बी, 3। 37 क्वेश्चन है, CC में मुख्य क्लास विभाजित किए जाते हैं फैसेट्स, नोटेशन, आइलोसेट्स, आइसोलेट्स या फिर पीमेस्ट। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, फैसेट्स। अगला दिया है, जब रंगनाथन ने इंग्लैंड के लिए पयान किया तब लंदन में उनके सहयोगी के रूप में उनके मुख्यालय काम किसने किया था? सर पी शिवास्वामी अय्यर, WC वारविक सैयर या फिर सर मॉरिगस गियर या फिर प्रोफेसर S दास गुप्ता। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, WC वॉरविक सेयर्स। 39 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उचित क्रम आपको यहाँ बताना है। यूनिक्स, MS डॉस, लिनक्स, विंडोज। यहाँ पर आपको सही क्रम आपको हो जाएगा बी, यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिर थर्ड। 40 क्वेश्चन है आपका, कम्युनिटी निम्नलिखित डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? GSTL, डी स्पेस, फेडोरा, iCore। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, डी स्पेस। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ बताना है कि व्हाट इज एम कैफे, यानी कि एम कैफे का अर्थ क्या है? वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर या फिर सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर नॉन टेक्स्ट फाइल्स। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ग्रंथालय से संबंधित मामलों पर शासन को सलाह देती है? राज्य मध्यवर्ती समिति, स्थानीय पुस्तकालय समिति, प्राधिकरण या फिर एडहॉक समिति या फिर कार्यकारी समिति। आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य मध्यवर्ती समिति यानी कि स्टेट सेंट्रल कमिटी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 रिपोर्ट जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है? ट्रेंड रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट, अत्याधुनिक रिपोर्ट या फिर अनुसंधान रिपोर्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ट्रेंड रिपोर्ट। 44वां क्वेश्चन, ई लेख की पहचान अपूर्ण लेख के लिए भुगतान को क्या कहते हैं? पेपर व्यू, कंजोर्सियम, कैंपस लाइसेंस या फिर ई सब्सक्रिप्शन। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट, पेपर व्यू। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो छोटे पुस्तकालयों के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है? लाइब्रेरी सॉल्यूशन ऑफ और फॉलेट, फॉलेट और MSN या फिर MSN और टार या फिर लाइकोस और लाइव सर्च। आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लाइब्रेरी सॉल्यूशन और फॉलेट।
46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं जो डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार एक नोटेशन में होने चाहिए। चार ऑप्शन दिए, एकता, शक्ति, अभिव्यक्ति या फिर यूनिकनेस, संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी या फिर एक्सप्रेसिवनेस या यूनियन ब्रीफ एक्सपोजर या फिर यूनिफॉर्म ब्राइट एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यूनिकनेस, ब्रेविटी और एक्सप्रेसिवनेस। अगला है हमारा न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत जो संदर्भ सेवा के बारे में है उसे किसने प्रतिपादित किया है। सी एम वेंचेल, जेम्स आई वायर, सैमुअल रॉटस्टेन या फिर डी डब्ल्यू लुइस। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, सैमुअल रॉटस्टेन। 48 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय संस्था निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती है। स्थानीय ग्रंथालयों को बढ़ावा देना, मुंबई स्थित है या फिर साले ग्रंथालयों को बढ़ावा देना, कलकत्ता स्थित। सही आंसर हमारा आंसर वी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है आपके। अगला हमारे कैटलॉगिंग इन पब्लिशिंग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है। 1971 में, 1981 में, 1991 में या फिर 2001 में। इसका 1971 में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रथम प्रकाशन वर्ष आधारित उचित क्रम लगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी को क्या हमको जमाना उचित क्रम में, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि सेकंड आएगा सबसे पहले, सॉरी मतलब लास्ट वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद हमारा क्या जाएगा, सेकंड आएगा, फिर हमारा फर्स्ट आएगा, फिर हमारा थर्ड आएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।